सनाती भी नहीं है यार, फिर वही ड्रामे करनी होनी, सनाती भी नहीं। बारे में बातें करते होंगे कि ये ऐसी है, इसने ये किया वो किया। हाय ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है जी। आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं अपनी स्ट्रेट सीधे बाबा वाली माता के सामने से, मतलब कि गुजर नगर वाले पुल से। और अभी करते हैं आपसे चलते चलते बात। सबसे पहले आपको लो जय माता दी, जय माता दी। कमेंट बॉक्स में भी कर लिया करो भाई, जो कि कंपलसरी करना ही होता है जेरी बॉय के व्लॉग्स में, ठीक है जी। तो आज सबसे पहले हम करेंगे डब, और फिर उसके बाद भाई शूट बचा हुआ। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मूवी कब डालनी है, कब डालनी है। तो भाई अभी रेडी तो हो लेने दो, रेडी हो लेने दो, फिर मैं आपको डेट भी रिवील कर दूंगा। एटलीस्ट शूट हो जाए ना पूरी, तो फिर उसका हम एज एक ट्रेलर जो है वो हम रिलीज कर देंगे। पर अभी तक फुल शूट नहीं हुई है उसका, एक सीन्स बचता है और एक मतलब सॉन्ग शूट रहता है, ठीक है। वो हो जाएगा तो फिर हम कर लेंगे। बाकी थोड़े से हमको लसेड़ से आर्टिस्ट हैं बीच में, जिनकी वजह से ना हम लेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या बोलो वो छोड़ो चीज़ें। बाकी अभी चलते हैं स्टूडियो, पहले ये वाला काम करते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या सीन्स हैं वो हम बाद में शेयर करेंगे, ठीक है जी। चलो जी लेट्स गो। चलो जी मित्रों, हमारी डबिंग हो चुकी है और इस वक्त है हम बहू प्लाजा में, और हमारे यहाँ पे एकी भाई है। और जब ये जगहें देख रहे हैं ना, कह रहे हैं अच्छा आप यहाँ पे वीडियोस बनाते हो, क्योंकि हिमाचल वाले एक पहली बार आए ना यहाँ पे, तो इनको हम थोड़ा सा जम्मू भी घुमा रहे थे, बाकी पहाड़ों में इनको कह रहा है मैं, पहाड़ तो आपने हिमाचल में देखे देखे हैं, पहाड़ों में कहाँ घुमाना आपको, तो बाकी इधर पीछे चेक करो, एक लूत ये है और एक लूत ये है, ठीक है। कौन है लूत भाई? आजकल मुस्कान भी व्लॉग पे है, तड़ा तड़ लगी हुई है व्लॉग बनाने। आगे से आगे से आगे से अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा चलते हैं, चक्कर शक्कर लगाते हैं, थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। हम खा रहे थे फ्रूट चाट यहाँ से बहू प्लाजा से, ठीक है। तो अभी अभी कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको अभी क्या बताऊँ, पहले आप ना क्लिप में देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलती रहती फैमिली में चीजें, मैं क्या बोलूं तुझे यार,
की तुझे जरूरत पड़े कभी भी मैं होता हूँ हाजिर तेरे पास, कोई प्रॉब्लम हो राती भी कोई जरूरत हो तू मी सुनाना, ठीक है? रोने ना यार, रोवाई फिर यार, फिर इन्होंने कर रोने ना, प्लीज प्लीज रो मत समझी सकना मैं यार, जो भी चीज़ें हैं समझ सकता हूँ मैं, हो गई हैं, चलती है लाइफ, हर किसी की लाइफ ठीक नहीं होती है। अब ये लोग भी चल वीडियो बनाना भी तेरा ठीक है, अब इन लोगों को भी बस यही लगता है कि भाई ये चीज़ है उधर ऐसे घूम रहे हैं ये है वो, अब किसी को नहीं पता कि किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और लोग किस चीज़ से डील कर रहे हैं, ठीक है? एक दिन पहले भी तो रो रही थी, मैं तुझे देख लिया था, पूछा मैं बेशक तुझे नहीं लेकिन मुझे लग गया था कुछ ना कुछ सिस्टम है, अब तू बताती नहीं है, मैंने किन्ने बारी पूछा। ये वैसे क्लिपें इसने बनाई थी अपने व्लॉग के लिए, लेकिन मैं अपने व्लॉग में भी डाल रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि देखो यार बड़ी जैसी चीज़ें हैं जो कि हम कभी व्लॉग्स में जो नहीं करते हैं, मेरी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, ए टू जेड फैमिली ये वो ए टू जेड सब कुछ पता है, लेकिन इसकी फैमिली का ये वो बड़ी जैसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, और ना ही फिलहाल तो हम अभी बताएंगे उन्हें, डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो चीज़ ऐसी है कि देखो यार जैसे रो रही थी, मुझे नहीं पता कि ये सच में रो रही थी, किसने मेरे साथ प्रैंक किया है क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि फेक चीज़ें मैं नहीं करता भाई, अगर जो चीज़ स्क्रिप्ट होती भी है तो मैं एट द एंड आपको बता देता हूँ कि ये भाई चीज़ स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो गाना एक ऐसा लगाया हुआ था हमने, उस पर ना ये करते करते रोने लग पड़ी, उसने कैमरा ऑन कर दिया, और मैं सोच मेरे को लगा था कि बीच में स्क्रिप्ट बना रही, लगू जब मैंने इसके आंसू देखे ना मैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो देखो यार बात ये है कि लोग ना बड़ी जैसे बातें कर देते हैं कि भाई वो ये बंदा वहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसके बारे में बातें करते होंगे कि ये ऐसी है, इसने ये किया वो किया, बातें मैं नहीं करूँगा, लेकिन बड़े जैसे लोग बोलते हैं और मुझे भी बोलते हैं, ठीक है कि ये है वो है, लेकिन मैं इसके साथ रहता हूँ, मुझे पता है कि इसका क्या हिसाब है, ये क्या है, जो भी सिस्टम है। देखो बड़ी चीज़ें ना ये अभी अकेली डील कर रही है हर चीज़ से, मतलब अपना सब कुछ देखना, भाई का देखना, फैमिली का, चलो जो भी सिस्टम है इसका वो इसको पता है, आप लोगों को नहीं पता, आप बस वो चीज़ें देखते हो जो लोग हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो बड़ी जैसी चीज़ों को ना आप सीरियसली ले लेते हो कि भाई ये पता नहीं, अब चलो हम ऑनलाइन एक है ही ऐसा, ये सोशल मीडिया ये चीज़ है, जब तक हम अपनी लग्जरी लाइफ या थोड़ा सा ऐसा शोशेबाजी नहीं दिखाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा भाई, क्योंकि सिंपल चीज़ देख किसको देखना पसंद है, ठीक है ना? क्योंकि एक नॉर्मल बंदा है जो वो अपनी ही नॉर्मल लाइफ किसी की नहीं देखेगा, वो देखेगा कि मैं बड़ी लाइफ देखूं किसी की, फिर उसको मज़ा आता है, ठीक है? और हम जितना रियल रहेंगे वो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। बाकी इसके थ्रू थ्रू भी मैंने साफ़ कराए हैं थोड़े से, अभी भी हैं थोड़े थोड़े आए हुए, बाकी मेरी इससे कोई ज़्यादा बात नहीं होती, ठीक है? तभी इससे बात होती है मेरी जबकि इसके साथ थोड़ा सा मेरे को बाहर जाना हो, थोड़ी बहुत ही बात होती है बस, इसकी चीज़ों को मुझे पता है, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। कल मैंने इसको अपनी मम्मा से मिलवाया था, मम्मा से भी इसकी बात बात हो रही थी, मम्मी भी थोड़ी ऐसी होगी कि इतना कुछ बेचारी केले करती है ये है वो है, बस बाकी और भी बड़ी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं करूँगा, वो उसको मैं पर्सनली ही बोलता हूँ। बाकी आपको जो सोचना है सोचो, और इसका चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करना यार, और जल्दी जल्दी इसका भी चैनल मोनेटाइज कराओ ताकि थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी अर्न करना स्टार्ट करे। बाकी अब क्या बात करनी है अभी देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, या ये वाली बातें यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये भी आपको बोरिंग चीज़ें क्यों पसंद आएंगी यार, किसी की
क्या लेना देना आपको, ठीक है ना। ये चीजें हम जितना मर्जी रोना, अगर हमको कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक तो कंटेंट था, लेकिन मैं इसके पर्सनल जो वो होते ना सेंटीमेंट समझ गया। बाद में आप ये लोग मत बोलना कि रो रही थी, आपको दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैंने ये प्रैंक किया था गाना लगा। मैं समझ गया था इसका प्रैंक, ये क्यों रो रही थी और क्या हो रहा था, और जो गाना लगा था ना फिर मैं समझ गया कि क्यों रो रही थी। ठीक है, तो बाकी नो हेट है किसी के लिए, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा करो भाई, अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ करते रहो, बेले मत बैठो, ठीक है ना। हर कोई बंदा हाथ पैर मार रहा कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछों को तो बैठे बिठाई मिल जाती है, कुछ लोगों को करना पड़ता है। और ये चीज़ जब से ये कर रही है, इसको कुछ भी बैठे बिठाई नहीं मिला, अपनी मेहनत से इसने किया, हाथ पैर मारे, तो चंडीगढ़ लेवल पे अगर ये गाने कर रही है तो भाई इसकी अपनी मेहनत है। मगर लोगों को तो ये लगता है कि पता नहीं कितने पैसे कमा रही है, इसको कोई सपोर्ट नहीं था भाई, किसी का सपोर्ट नहीं था ना, कि इसकी कोई इतने, इसने अगर किसी की, इसने अपनी बाग भी बनाई भी है तो अपने लेवल पर बनाई है भाई, तो ये चीज़ मैं इसकी हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ इसको। और अगर लगता भी है ना कुछ लोगों की इसमें थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ है, थोड़ी इगोइस्टिक है ये, तो भाई बनता भी है इसका होना, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से था एक टाइम भी जब ट्रस्ट कर लेती थी हर किसी पे, ये भी तू ज्यादा मत बन, ठीक है, मैं पता तेरा स्टार्टिंग से देखते आ रहा हूँ मैं, करती हूँ सबको अच्छे समझती तो अब थोड़ा सा ये थोड़ी सी वो हो गई है, क्या बोलते हैं उसको, क्या है दूसरी, सही हो गई है, और साथ में थोड़ी सी ना वो मैच्योर हो गई है, पहले थी निब्बी थोड़ी है, मुझे पता है तब मेरी स्थिति बनती नहीं थी, अब थोड़ा बनना स्टार्ट हुई है, दोस्तों हम बहुत पुराने हैं, बाकी यही चीजें हैं, अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आप अथरू ली भी हैं थोड़े थोड़े, रोने दो मिनट में लगती है भाई। गाना पता कौन सा लगा था गाइस, मैं आपको बताऊं, चलो थोड़ा सा दिखाता हूं, थोड़ा सा देख लो आप, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप तो रोक के भी देख लोगे, बाकी आपको हिंट्स मिल जाएंगे कि क्यों रो रही थी, क्या सिक्र है। ठीक है, चलो चलते हैं, अभी चलते हैं, मैं भी खा लेता हूं भाई अपना, मैंने चाट खाई नहीं, इतनी बातें कर ली मैंने, चलो गाइस मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।